फरुखाबाद में गंगा घाट पर लगे मेले में पहुंचे एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोताखोरों के यहां नहीं होने से युवक की जान नहीं बचाई जा सकी। फरुखाबाद में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाट पर लगे मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान मेला प्रबंधक एवं जिला पंचायत की भारी लापरवाही देखने को मिली है। यहां आकाश नामक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपनी मौत से पहले लगातार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। साथ ही यहाँ कोई भी गोताखोर मौजूद नहीं था। लोगों का आरोप है कि हर बार मेले में 13 गोताखोरों को नियुक्त किया जाता है, लेकिन इस बार एक भी गोताखोर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से युवक की जान चली गई। इस मामले में हमारे संवाददाता सत्यम ने यहां मौजूद लोगों से चर्चा की। जहां एक और माघी का पर्व मनाया जा रहा है, इसी को लेकर गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही, लेकिन आज हम पहुंचे हैं फरुखाबाद के संगीरामपुर में। यहां जिस तरीके से हर वर्ष विशेष इंतजाम किए जाते हैं गंगा स्नान को लेकर, श्रद्धालु बड़ी संख्या में तपोस्थली संगीरामपुर में पहुंचते हैं, लेकिन आखिर यहां की क्या समस्या है, इसी को लेकर यहां पर पहुंचे तो यहां पर लोगों ने बताया कि यहां पर गोताखोरों की एक बड़ी समस्या, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। यहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे, उनके बीच से एक युवक था, वो नदी में डूब गया। इसी को लेकर यहां पर लोगों ने काफी गोताखोरों को खोजने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक यहां पर कोई भी गोताखोर मौजूद नहीं है। इस दौरान वहां पर लोगों ने बताया कि हर वर्ष त्योहार पे यहां पर 11 से अधिक गोताखोर नियुक्त होते हैं, लेकिन इस बार यहां पर कोई भी इंतजाम नहीं देखने को मिले। निश्चित तौर पर एक बड़ी प्रशासन की खामी देखने को मिली, जिसके चलते एक युवक नदी में डूब गया। इसी को लेकर यहां पर देखते हैं यहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। नाम है भैया? रवि कांत का। अच्छा, ये जो घटना हुई है क्या रही थी यहाँ पे? यहाँ तो लड़का नहाने गया था, वो डूब गया था, उधर तैरते तैरते गया, कोई था ही नहीं, तो किसी को प्रयास नहीं किया था? गोताखोर यहाँ नहीं, गोताखोर नहीं, लड़का थे, बेको कूदे तो उधर गए, तो कहाँ से आए हैं आप? टड़ा से। हाँ, तो यहाँ पे कोई मदद के लिए नहीं था? लोगों का क्या कहना है यहाँ पे गोताखोर को लेकर? गोताखोर आते ही नहीं। निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों का कहना है कि गोताखोर की बड़ी समस्या के चलते एक युवक जो है वो नदी में डूब गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर प्रयास करते हैं। यहाँ पर गोताखोरों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है भैया? तस्लीम। अच्छा, कब से आप यहाँ पर रहते हैं? करीब 30 साल। 30 साल करीब। 30 साल से काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा कोई अथॉरिटी? कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं। अच्छा, सबूत क्या नहीं? त्योहार होता है दशहरा के पर्व पर लोग भी आते हैं, इसको लेकर अभी तक आपको कोई नियुक्ति दी गई? कोई नहीं दी गई। आपका क्या नाम है? तौफीक गोताखोर। कब से काम कर रहे हैं? 30 साल थे। 30 साल से? जी हाँ। प्रशासनिक तौर पे आपको यहाँ पे नियुक्त किया जाता है? नहीं, कुछ नहीं, खाली हमारे जो कहते हैं जो बड़ा होता है हमको बुला जाता। कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं जो इतना बड़ा कार्यक्रम है, श्रद्धालु पहुँचते हैं, प्रशासन के क्या इंतजाम रहे थे यहाँ? कुछ नहीं, वो अपना जो ठेका लेते वो अपना जैसा करते, हमको कोई मतलब नहीं। मजबूरी साहब देते हैं, क्या करें, मजबूर है, गरीब है, गरीब आदमी है तो मजदूरी कर लेते हैं, पेट जला रहे हैं, और क्या, कोई सरकारी ड्यूटी है नहीं, कोई काट ही नहीं। कोई प्रशासनिक अधिकारी आया आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं आया, खाली हमारे स्टाफ वाले हैं कमल थाने के, चौकी कुछ हमारे सब लोग खड़े हैं, अब इनकी कोई गलती नहीं।